तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत बड़े होंगे। दोस्तों आज ब्लॉग की शुरुआत रही है 9 o'clock से और मैं जा रहा हूँ आज मोहन जहाँ पे कि टाइगर ने एक आदमी पे हमला किया था। आज मैं उस लोकेशन पे जाऊँगा और हो सके जब तो अगर वो वहाँ पे होगा तो उससे भी आज को रूबरू कराऊँगा आपको। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपको वहाँ पर लेके जाता हूँ जहाँ पर कि आदमी को टाइगर ने बाइट किया था। चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये वीडियो को पूरा वॉच कीजिए जिसमें कि आपको पता चल पाएगा कि टाइगर ने किस जगह से आदमी को मारा था। मैं अभी मोहन जा रहा हूँ और मोहन में एक आदमी को टाइगर ने हमला किया था। अभी मैं उसकी स्थिति क्या है वो चेक करने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि ये धनगढ़ी गेट है और ये 15 नवंबर से ये गेट चालू हो जाएगा। अभी आगे म्यूजियम खुला है और 10 बजे के बाद खुलता है और 5 बजे के बाद सब बंद हो जाता है और ढिकाले की सफारी अब 15 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। अभी मैं धनगढ़ी पर आ गया हूँ, अभी निकलते हैं यहाँ से आगे की ओर। तो दोस्तों फाइनली मैं उसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे कि टाइगर ने एक आदमी को हमला किया था। तो ये है उसका रास्ता पूरा, देखते हैं आगे चलते हैं आगे। ये मेन रास्ता ना उनका। हाँ जी, ये मेन रास्ता। सुबह की बात है ये। सुबह कितने बजे? 7 बजे की बात है। अच्छा। वो उठ के मुँह हाथ धोने के लिए आया था यहाँ पे। अच्छा। ये पूरा कॉरिडोर है ना, ये पूरा। हाँ हाँ। ये पूरा कॉरिडोर है, ये बफर में ये आता ना। अच्छा। हाँ। अच्छा ये है नल। हाँ। तो दोस्तों देखिए ये नल है, ये घर है ना। हाँ। ये कैमरे भी लग गए यहाँ पे। हाँ। अच्छा देखिए दोस्तों, दोबारा ना दिखेगा आएगा तो। यहाँ पे कैमरा लगाया है कि दोबारा मूव करेगा शायद यहाँ पे। और ये है नल जहाँ पे कि वो मुंह धोता ना यहाँ पे। हाँ। अच्छा यहाँ अभी तो ताला लगा है घर पे। ये रहा देखिए, यहाँ रह रही थी सारे लेबर, अभी तो ये बंद है। अभी यहाँ पे भी कोई नहीं है तो देखिए अभी इसमें लगा है ताला। यहाँ पे आए थे पूरी टीम इनकी जो काम करते रोड पे ना। हाँ। रोड पे काम कर रहे थे तो सुबह के टाइम पे एक बंदा आया था यहाँ पे जिसको हमला किया था टाइगर ने और यहाँ पे मुंह धो रहा था और उस पर यहाँ से निकल के आया था टाइगर जो कि यहाँ पे इस पर हमला किया था। देखिए वहाँ पे कि कैमरा भी लगाया है यहाँ पे फॉरेस्ट वालों ने, देख सकते हैं। और ये पूरा गांव है यहाँ पे, ये पूरा बफर जोन में आता है जहाँ पे कि लोग रहते हैं। ये देखिए ये पूरा गाँव है इस साइड में और ये पूरा कॉरिडोर जंगल आ गया जहाँ पे कि टाइगर ने मूव किया इस साइड को। ये नाला आ गया और यहाँ पे मूव करा तो सामने में यहाँ पे हमला कर दिया था टाइगर ने। दोस्तों अभी मैं यहाँ पे के जितने भी मोहन में रहते हैं इनके साथ मैं यहाँ पे आया हूँ और अभी चल रहे हैं शायद नर्सरी में है ना सबके सब। अच्छा जो ये गांव वाले हैं सारे नर्सरी में रहते हैं। आ जा आगे चल। और जो यहाँ पे लेबर थे वो कहाँ गए? भाभी भाभी, हेलो दादी, ये ऐसे ना और मजा आता है। चलो कोई नहीं, नर्सरी में चले जाएंगे। तो कोई नहीं होती दोस्तों। जो सामने में घर था वो काम यहाँ करते हैं
और जो लेबर थी वो कहीं और की थी और उनको वहाँ से शिफ्ट कर दिया है दूसरी जगह। चलो ये हैं बुबू जी, जिन्होंने कि वो हादसा होते हुए देखा हो शायद, इनसे पता करते हैं। ताऊजी नमस्कार, हमें बताओगे जो परसों बीच में जो टाइगर ने मारा था एक आदमी को झपट्टा? वो तो उसमें तो हम अंदर थे। अच्छा तो पानी का नल भर। अच्छा तो हाँ वो कर गया, हमने तो देखा भी नहीं है, पर टाइगर ने उसको कर लिया। तो कहाँ पे किया था उसके, मतलब हमला कहाँ पे किया था? वहीं पर जहाँ पर उधर घर के पास। हाँ हाँ वो तो दिखा दिया मैंने। तो उसके मतलब कहाँ पे सर? अच्छा सिर में। तो सेफ है वो बंदा? तो सेफ होगा। तो टाइगर क्या कह सकते हैं, आदमखोर होगा या क्या पता भैया? वो तो पहले बहुत दिन से पहले की बात है तेरी बात। हाँ कल भी देखा बोलो वहाँ पर वहाँ पटाल सर। अच्छा टाइगर फिर से निकल के आया? तो उसको मतलब उसका जो है डर खत्म हो चुका है, जैसे आदमी पे डर होता है वो आदमी का डर खत्म हो चुका है। हाँ हाँ कोई दिक्कत। तो दोस्तों जैसे कि ताऊ जी से पता किया तो उनका कहने का मतलब है कि उनको अभी पता नहीं है कंफर्म कि जो टाइगर है वो मैनिटर हो चुका है या नहीं हुआ है। अभी उसके बारे में कुछ जांच पूछ नहीं हुई है क्योंकि अभी वो निकल के आ रहा है, लेकिन कंफर्म दिखने में नहीं आ रहा है कि जो पता चल जाए कि आखिर में टाइगर मैनिटर हो चुका है। बहुत जबरदस्त है यार, कुछ किल तो नहीं गया। हाँ कुछ किल तो नहीं गया, ऊपर को जा रहा नाले नाले। तो दोस्तों जो कि मैंने वीडियो लिया गांव वालों से, और वो टाइगर इस साइड से मूव करते हुए ये नाला क्रॉस करके आगे को मूव कराया उसने। और जहाँ तक का वो जो वीडियो है वो उसके दूसरे दिन का है, यानी कि जिस दिन उसने उस पर अटैक किया उसके दूसरे दिन शाम के वीडियो है वो, नाइट में जिसने यहाँ से मूव करते हुए आगे को गया है टाइगर। अभी चलते हैं आगे जहाँ पे कि वो लेबर काम कर रही है, शायद उनसे कुछ इन्फॉर्म करके पता चल जाए। दोस्तों मैं भी उसी बंदे के पास आ गया हूँ जो टाइगर के मुंह से बचा, वो ये बंदा है। देखिए आज के टाइम पे कोई भी टाइगर से नहीं बच पाया, लेकिन ये किस्मत वाले हैं जिसको टाइगर से ज़िंदगी मिली है। आ जाओ इधर आ जाओ। देखिए दोस्तों यह बंदा, वो मुझे बताओ कि टाइगर ने किस समय हमला किया आप पे? 5:30 बजे। 5:30 बजे कहाँ पे थे आप? मुहान पे। मुहान पे तो कैसे हो तुम्हारे साथ ये पूरा? 5:30 बजे मैं बदला का टोन करने गया। हाँ बैठा था। अच्छा बैठ के जब मैं बदला का टोन करके हाँ जब उसने तैयारी की, हाँ तब मैंने वो झपेट मार दी। अच्छा फिर उसके बाद मुझे पता नहीं, उसके बाद तुम बेहोश हो गए। थोड़ा दिखा सकते हो कि किस साइड में मारा है तुम्हारे पंजा? बैक में क्या बैक। अच्छा पूरी पट्टी लगी हुई है, लगी ये कैप उतार के दिखाना थोड़ा। दोस्तों ये देखिए पूरा पीछे घूमो, ये पूछा पूरा इनका पीछे से देखिए, पूरा टाइगर ने हमला किया है। इनने सर पे पट्टी वट्टी लगाई है जो कि डॉक्टर द्वारा पट्टी लगाई गई है इनको, और काफ़ी ज़्यादा तरीके से हमला किया था इन पे। देखो टाइगर ने इधर को फेस करो, अभी ये ठीक है। तो आपको कुछ मदद मिली इस दौरान? अभी तो अच्छा। दोस्तों ये वो आदमी है जिसको टाइगर से नई ज़िंदगी मिली है। वैसे तो टाइगर से अभी तक का कोई बचा नहीं है, लेकिन ये किस्मत वाले हैं जिनको टाइगर से ज़िंदगी मिली है। अच्छा हाथ में भी लगा है? हाथ में पंजा है, पट्टी लगाई है उस पर? दिखाना थोड़ा। अच्छा ये देखिए दोस्तों, ये टाइगर के लगे हुए पंजे हैं जिसपे की टांके लगाए गए हैं। किस्मत वाले हैं दोस्तों, देखिए वो उसने आया होगा तो मैंने इधर करा। अच्छा वो चपेट मारा है, हाथ में पत्थर था,
पत्थर मेरे हाथ में पड़ गया, मेरा हाथ इधर को चला गया या पैर पे लगी हो चाहे मुंह पे लगी हो, टाइगर के, टाइगर के। अच्छा, मतलब एक प्रकार से तुमने टाइगर से एक तरह से फाइट करी है। फाइट ही हो गया। हाँ हाँ, कितना ही हुआ, फिर मैं थोड़ा बेहोश हुआ, फिर हमारे लिए हल्ला कर लिए। ये पूरी टीम है आपकी जो साथ में काम करती है? दोस्तों आज रूबरू हो गए जिनको टाइगर ने हमला किया था। आपके बच्चे कहाँ हैं? अच्छा, लड़का है। अच्छा, आपके लड़का भी साथ में था? अच्छा, तो उसके बाद रामनगर कौन लेके गया आपको? कैसी फोटो खींच रहा है? आपका गांव कहाँ है? बकी डांडी। कहाँ? खटीमा। नानक मता पड़ता है हमारा। तो दवाइयाँ कहाँ से चल रही इनकी? सरकारी हॉस्पिटल। थोड़ा आवाज़ थोड़ा ज़्यादा रखो, वो मशीन के हिसाब से आवाज़ साफ नहीं आ रही है। सरकारी अस्पताल से? अच्छा, वो हम अपने पैसों से लाते हैं खरीद के, ना कंपनी इलाज कराई, ना ठेकेदार और ना दीवार वालों ने, किसी ने नहीं, कोई मदद नहीं की। तो आप इनके इनके क्या लगते हैं आप? मैं इनकी लड़की भतीजी हूँ। अच्छा, भतीजी हो। अच्छा, तो इनको आप ही लेके गए थे वहाँ पे? हाँ, मैं लेके गई, मैं ठेकेदार को फोन करी, ठेकेदार आए लेने के लिए। अच्छा, फिर हम साथ में रहते हैं। अभी मतलब नाइट में कहाँ पे रुक रहे हो अभी आप? वहाँ पे से तो हटा दिया शायद आपको? रामनगर रहते हैं। रामनगर रह रहे हो? अच्छा, तो अभी तक कुछ नहीं आया इनके लिए मदद? कोई मदद नहीं मिली। बार बार कंपनी वाले तो एक ही दिन, जिस दिन हमला हुआ था उसी दिन आए, उसके बाद कोई देखने भी नहीं आया। अच्छा, तो मदद क्या करेंगे? तो दोस्तों ये है वो आदमी जो टाइगर के मुंह से बचे हुए। तो जैसे कि मैं मोहन से निकल के आया, मैं अपनी शॉप पे था और शॉप पे पहुंचने के बाद मैं आया अभी छोटा पुनोद नाला, और यहाँ पे सामने कम से कम यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे टाइगर ने एक बैल पे काफ़ी हमला किया और उन दोनों की काफ़ी फाइट हुई इसमें, और बैल निकल के भाग के इस साइड से और सीधे निकल के जहाँ पे वह कार खड़ी है, कार से सीधे अंदर को गांव में चला गया। और गांव में जिनके वहाँ गया, मैं उसकी वहाँ से मैंने एक फ़ोटो ली है, उस फोटो को मैं अभी आपको दिखाऊंगा। काफ़ी ख़तरनाक, मतलब एक समझ लो कि टाइगर के मुँह से वो भी बच गया। दोस्तों फॉरेस्ट वाले अंदर गए हुए हैं चेक करने के लिए कि आखिरकार क्या था, वो लेफर्ड था या टाइगर था, जो कि अभी एक बैल पे हमला किया गया है। मैंने अभी आपको दिखाया कि सामने की ओर इस साइड को गांव की ओर भाग के गया है बैल। अभी कंफर्म करने के लिए गए हैं फॉरेस्ट वाले, अभी उनसे पता करते हैं कि आखिरकार क्या है, लेफर्ड है या टाइगर। मौके पे जंगलात वालों ने चेक किया कि ये किस चीज़ का हमला था। चलो उनसे बात करते हैं आगे। अरे किस चीज़ का हमला था ये? टाइगर का? मुझे तो लगा लेपर्ड का है। टाइगर का है, पगमार को लगे वहाँ। ये देखो कॉल चल रही साइड में अभी दोबारा, ये पूरा इधर को निकल के आया ना। नहीं उधर तो नहीं गया मैं, लेकिन इस साइड को भाग के सीधे नीचे को चले गया। हाँ उन्हीं का है बैलो, जो बीच में भी घूम रहा था काफी है। इधर को निशान लगे हुए हैं, अभी कॉल चली रही है आगे। वहाँ पे क्या क्या मतलब बहुत ज्यादा और क्या? ये तो पूरा यहाँ से नीचे तक लगा पूरा ब्लडिंग है। हाँ हाँ, ये पूरा ऐसे निकल के आया है, ये पूरा निशान लगे थे पूरा ब्लड का। अच्छा, तो टाइगर का है हमला है। दोस्तों फाइनली मैं अपने शॉप पे पहुंच गया हूं, और टाइगर अभी भी उस साइड में है जहां पे कि उसने एक बैल पे हमला किया था। अभी जो कि टाइगर नॉर्मल हो चुका है, यानी कि कहीं झाड़ी में बैठ चुका है, उसके हाथ से भी शिकार छूट गया है।
तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।